अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूं अरीबा और आप देख रहे हैं किचन विद अरीबा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की रेसिपी। तो आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं चिकन शॉशलिक विद एग फ्राइड राइस। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। काम वाम सारे छोड़ दें और आ जाएं मेरी रेसिपी की तरफ, और एंड तक आपने लाजमी वॉच करना है इस रेसिपी को। तो काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं चिकन शॉशलिक की रेसिपी शेयर करूं, सो आज फाइनली हम बना रहे हैं चिकन शॉशलिक। तो चले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले हम उसके इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है 500 ग्राम। आप देख सकते हैं मैंने इसको क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सोया सॉस लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे विनीगर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे चाइनीज सॉल्ट लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लहसुन पेस्ट लिया है। तो अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को चिकन में ऐड कर देंगे। सिरका ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे, चाइनीज सॉल्ट ऐड करेंगे, लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे, तो ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, तो नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो चिली फ्लेक्स इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। तो चिकन में हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स ली हैं, 2 कैप्सिकम ली है मैंने मीडियम साइज की, जिसको मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। 2 मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। 2 मैंने यहाँ पे प्याज ली है, मीडियम साइज की लिए मैंने प्याज, जिनको मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिए। तो अब हम सॉस तैयार करेंगे। सॉस तैयार करने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने यहाँ पे प्लेन सिंपल केचप लिया है 1 कप, 1/2 कप मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक केचप लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे चिली सॉस लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे चाइनीज सॉल्ट लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सिरका लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लहसुन, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे गार्लिक लिए क्रश की हुई, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे शुगर लिए, 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सोया सॉस लिया। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। तो आधा घंटा हो चुका है, अब हम चिकन को कुक करेंगे। अब हम चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन को हम अच्छी तरह कुक करेंगे। तो चिकन हमारा अच्छी तरह कुक हो चुका है, अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अब हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब। तो वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो चिकन का मटेरियल हमारा तैयार है। तो अब हम सॉस तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूंगी। जैसे ऑयल गर्म होगा मैं इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन को हम सोते करेंगे। तो अब हम प्लेन केचप ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह केचप को मिक्स कर लेंगे। तो अब हम चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो काली मिर्च मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून ऐड करूंगी। चाइनीज सॉल्ट मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड करूंगी। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी। चिली सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर। सिरका ऐड करेंगे अब। सोया सॉस ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब। तो अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब। 1/2 कप हम पानी ऐड करेंगे। सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आप पे डिपेंड है कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए, आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, जितना आपको थिक चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। सॉस हमारा तैयार है, ये थिक हो चुका है। तो अब हम इसमें वेजिटेबल्स और चिकन ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब। तो चिकन शॉशलिक हमारा तैयार है। तो अब हम एग फ्राइड राइस तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज की कैबेज ली है, जिसको मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया, आप देख सकते हैं। 2 मीडियम साइज की मैंने यहाँ पे कैरेट ली है, इसको मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया। 1 मैंने यहाँ पे कैप्सिकम लिया है, जिसको मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया। 2 मैंने यहाँ पे एग ली है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लहसुन पेस्ट ली है।
तो राइस मैंने यहाँ पे 750 ग्राम लिए हैं, जिसको मैंने पानी में भिगो दिया है 1 घंटे के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है चाइनीज सॉल्ट 1 टेबल स्पून। तो एग के अंदर हम 1 पिंच फूड कलर ऐड करेंगे। तो चावलों को मैंने बॉईल कर लिया है। अब हम एग फ्राइड राइस की रेसिपी तैयार करेंगे। 1/2 कप हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। तो लहसुन को हम बस सोते करेंगे। तो लहसुन हमारा सोते हो चुका है। अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर कैरेट ऐड करेंगे, कैप्सिकम ऐड करेंगे, 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे। अब हम इसके अंदर कैबेज ऐड करेंगे। तो सारी वेजिटेबल्स को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। तो अब हम इसके अंदर काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। तो 1 टीस्पून हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। तो अब हम इसके अंदर चाइनीज सॉल्ट ऐड करेंगे। तो अब हम इसके अंदर राइस ऐड करेंगे। तो अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून इसके अंदर विनीगर ऐड करेंगे। तो लास्ट पे हम इसके ऊपर अब एग ऐड करेंगे। तो एग फ्राइड राइस तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो चिकन शॉर्टरिब विद एग फ्राइड राइस तैयार है। बहुत ही जबरदस्त लुक लग रही है। बहुत कमाल की रेसिपी है। आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। और मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट भी बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।